हाय दोस्तों, मैं कुसुम। स्वागत है आपका कुसुम रसोई में। आज हमारी रसोई में बनने वाला है तिल और गुड़ से एक मज़ेदार सा बर्फी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मगर इससे पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस कर दें और हमारे परिवार से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करके परिवार को बड़ा करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तिल को रोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ हाफ कप तिल लिया है। गैस के फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और धीमी आंच पे इसे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो तिल जल जाएगा और अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाएगा। तो देखिए, तिल हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में खाली कर लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और इसी पैन में हम जितना हमने तिल लिया था उतना ही हम मूँगफली लेंगे। तो मूँगफली भी हाफ कप है, इसे भी हमें सेकना है। तो धीमी धीमी आंच पे ही सेकेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। अगर मूंगफली कच्चा रहेगा तो इसका टेस्ट कच्चा कच्चा आएगा। तो मूंगफली अच्छी तरह से सीख गया है। तो एक मूंगफली को इस तरह से लें और रगड़ी तो इसका छिलका जो है निकल रहा है, इसका मतलब अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब इसके छिलके को निकालने के लिए हम किचन टॉवल के ऊपर इसे डालेंगे और इस तरह से मसल करके इसके छिलके को निकाल देंगे। तो देखिए, निकल गया है। अब इस मूँगफली को प्लेट में निकाल करके और इसके छिलके को हमें अलग करना है। साइड से इस तरह से मूँगफली को निकाल देना हमें और इस मूँगफली को हम तिल में डाल देंगे। तिल और मूँगफली को पूरी तरह से ठंडा होने देना है। उसके बाद हम इसका पाउडर तैयार करेंगे। अगर गर्मा गर्म इसे पीसेंगे तो इसे तेल अलग हो जाएगा। तो देखिए, तिल और मूँगफली ठंडा हो चुका है। अब इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे और थोड़ा सा तिल हमें बचा लेना है, 2-3 बड़ा चम्मच के लगभग। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो मिक्सी जार को हमें कंटिन्यू नहीं घुमाना है क्योंकि मिक्सी जार भी गर्म हो जाता है, फिर तेल अलग होने लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके घुमाएं। तो देखिए, हमारा पाउडर जो है तैयार हो गया है। इसे मैंने 2-3 बार रुक रुक कर घुमाया था। इस तरह से पाउडर हमें तैयार करना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें मिक्स करेंगे 4 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। तो आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके बिना भी इस बर्फी को बना सकते हैं। तो अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई भी कटोरी या फिर कप लें और उससे सब बराबर बराबर मात्रा में नाप लें। तो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब बारी है चाशनी बनाने की। तो पैन को रखा मैंने गैस पे और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच घी। मैंने छोटे चम्मच से डाला, अगर आप बड़े चम्मच से डाल रहे हैं तो 1 चम्मच डालें। और इसमें डालेंगे हम 1 कप गुड़। तो मैं गुड़ का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप रेगुलर गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच पानी। तो बड़ा चम्मच से मैंने पानी डाला और गैस के फ्लेम को हम स्लो रखेंगे। तो हमने हाफ कप तिल लिया था और हाफ कप मूंगफली लिया था। तो जितना दोनों मिलाकर हो उतना ही हमें गुड़ लेना है। तो इसीलिए हमने 1 कप गुड़ लिया। अगर आप 1/4 कप यूज़ कर रहे हैं तो 1/4 कप मूंगफली और 1/4 कप तिल दोनों मिलाकर होगा हाफ कप, तो हाफ कप गुड़ यूज़ करें। फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। आप इसके साथ सौंठ का भी पाउडर डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आएगा। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। इस तरह से बबल्स आने लगे इसका मतलब ये तैयार है। तो चेक करने के लिए थोड़ी सी चाशनी लें और हाथ में इस तरह से लगाकर हमें चेक करना है। तो देखिए, एक धागा बन रहा है ना, चाशनी को हमें इतना ही पकाना है। अब गैस को ऑफ कर दें और उसमें तैयार किए हुए मिश्रण को डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। गैस को हमें ऑन नहीं करना है। गुड़ की गर्माहट से ही तिल और मूंगफली जो है वो पक जाएगा। अगर रोस्टेड तो ऑलरेडी है ही। इसे चलाते चलाते हमें ठंडा करना है। जितना अच्छा फिटिंग है ना आपकी बर्फी उतनी ही स्मूथ बनेगी। तो मैं इसे स्पैचुला से यानी चम्मच से ही चला रही हूँ। आप चाहें तो इसे ग्लास से या कटोरी से या फिर जो मैसर होता है ना उससे भी मसल सकते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे ठंडा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है ना, तो इसे थोड़ा चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा पोषण मैंने हाथ में लिया, उंगली में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, यानी ये बर्फ़ी सेट होने के लिए तैयार है। अब इसे हम चलते हैं बर्फ़ी का सेप देने। इसे बनाने के लिए मैंने किचन का जो ग्रॉसरी का सामान आता है उसमें पोलोथीन आती है ना, उसे कट करके सीट तैयार किया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे इस मिश्रण को। इसे थोड़ा सा और हाथ से फेंट लेते हैं ताकि बर्फ़ी जो है स्मूथ बने। तो हथेलियों से दबा दबा करके इसे हमें मसलना है। अगर ये चिपकने लगे तो थोड़ा सा हमें घी लगाना है। तो देखिए, मैंने इसमें घी पहले नहीं लगाया तो थोड़ा चिपक गया है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं चारों साइड। तो पोलोथीन की पूरी साइड में लगा देना है और थोड़ा सा हमें डो के ऊपर भी लगा देना है ताकि बेलते समय वो चिपके नहीं। तो डो को हाथ से फैला देना है बराबर से।
और थोड़ा सा घी हम बेलन के ऊपर भी लगा देंगे ताकि बेलते समय ये इस पर भी जो है मिश्रण चिपके नहीं। हल्के हाथों से दबाते हुए स्क्वायर शेप दें, आप गोल भी बेल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मैं इसे थोड़ा सा दबा करके और शेप दे दे रही हूँ। और अब इसके ऊपर हमने जो तिल बचा करके रखा था ना, वो स्प्रिंकल कर देंगे ताकि पता चले कि ये तिल की बर्फ़ी है। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ पिस्ताचियो छोटे पीस में कट करके। आप इसकी जगह पे अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या फिर उसके बिना सिर्फ तिल के साथ ही बना सकते हैं। अब इसे पॉलीथीन सीट से कवर कर दें, नहीं तो तिल और पिस्ताचियो जो है वो बेलन पर चिपक जाएगा, इसलिए उसे कवर करके और तब हल्के हाथों से प्रेस करके इसे बेलें। प्रेस करने से होगा ये कि तिल और पिस्ताचियो जो है उसमें चिपक जाएगा, वो बर्फी से बाहर नहीं निकलेगा। चारों साइड से हल्के हाथों से दबा दें। और अब बारी इसे सेप देने की, तो मैं इसे स्क्वायर शेप में कट करूँगी। आप चाहें तो इसे डायमंड शेप भी दे सकते हैं और बर्फी की साइज अपनी इच्छा अनुसार बड़ा या फिर छोटा रखें। तो इस बर्फ़ी को आप बाहर 4 से 5 दिन रख कर यूज़ कर सकते हैं और फ्रिज में रख कर 7 से 8 दिन तक। तो ये हमारी बर्फ़ी देखी हो गई तैयार। तो इसे पहले पूरी तरह से ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर पर आने दें, आपको फ्रिज में रख कर ठंडा करें, उसके बाद सर्व करें। तो ठंडी में इस तिल की बर्फी का आनंद उठाएं। और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।